10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल। IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत जबां की बेड़ियां चुकाती हो, जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से नए नोट के आने से पाकिस्तान के सरकारी छापेखाने में भारत के नकली नोट बनाने वाले ISI की नींद उड़ गई है। वो परेशान है, हैरान है और साथ ही उसे जो नुकसान हुआ है उससे वो और भी बौखला गया है, क्योंकि ISI का जाली नोटों का कारोबार पूरी तरह से तबाह हो गया है। खत्म हो गया जाली नोटों का काला खेल। भारत के वार से पाकिस्तान की हर चाल नाकाम। भारत की तरक्की से परेशान पाकिस्तान ने हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर करने के लिए इसमें जाली नोटों का इंजेक्शन लगा दिया था। एक अनुमान के मुताबिक भारत के बाजार में 400 करोड़ के नकली नोट चल रहे थे। ये नोट ISI अपने आतंकियों के जरिए भारत में पहुंचाता था। इसके लिए वो दाऊद जैसे लोगों की भी मदद लेता था, लेकिन 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगते ही अब ISI का कच्चा चिट्ठा खुल गया है, क्योंकि नए नोट को जाली बनाना है नामुमकिन। अब ISI नहीं बना सकेगा जाली नोट, और ISI के तैयार 500-1000 के सभी नोट हुए बेकार। ये एक मोदी जी का बहुत मास्टर स्ट्रोक है, और इसका इमीडिएटली इनके ऊपर जो टेरर आउटफिट्स हैं, और पाकिस्तान ISI है और दाऊद इब्राहिम है जिसने कि वहां पर प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, इनके ऊपर इमीडिएट बहुत इफेक्ट होगा। दरअसल ISI आतंकियों की मदद से भारत में बड़े पैमाने पर जाली नोट फैलाकर बड़ा नेटवर्क बना चुका था। भारत के बाजार में चल रहे ज्यादातर नकली नोट पाकिस्तान से होते हुए ही आते हैं। NIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर 10 लाख नोटों में से 250 नोट नकली हैं। 80% नकली नोट पाकिस्तान से आते हैं। हर साल पाकिस्तान 70,000 करोड़ के नकली नोट भेजता है। नकली नोट से ISI को सालाना 500 करोड़ का मुनाफा होता है। हर नकली नोट पर ISI को 40% का फायदा होता है। पाकिस्तान भारत में नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते नकली नोट भेजता है। इसके लिए उसने बांग्लादेश और नेपाल में अपने एजेंट बैठा रखे हैं। नेपाल से ये नोट बिहार और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए दाऊद के नेटवर्क का भी इस्तेमाल होता है। भारत के बाजार में नकली नोट पहुंचाने के लिए बाकायदा रेट तय किए गए हैं। जानकार बताते हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर 18,000 रुपए में 1,00,000 के जाली नोट मिलते हैं। बिहार में 1,00,000 के नकली नोटों की कीमत 40,000 हो जाती है, और दिल्ली और दूसरे राज्यों में पहुंचने पर इसकी कीमत 50,000 हो जाती है। नकली नोटों का पूरा कारोबार 500 और 1000 के नोट में किया जाता रहा है, लेकिन अब इस पर पाबंदी लगते ही ये धंधे ठप हो गए हैं। यही नोट आतंकवाद को ताकत देते हैं। ऐसे में 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी लगने से आतंक पर भी लगाम लगेगी। भारत के अंदर आतंकवादियों को जो प्रश्रय मिल रही है उसके पीछे यदि कोई है, पर यह जो जाली नोट जो आती है, बहुत बड़ी ताकत उससे आतंकवादियों को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है। सचमुच इस ताकत को
1000 और 500 रुपए की करेंसी को समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नकली नोट के इस खेल में दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। इसके लिए दाऊद को कमीशन मिलता है, लेकिन अब पाकिस्तान का ये खतरनाक खेल एक झटके में बंद हो गया। नकली नोटों पर पाबंदी से काले धन से निजात तो मिल ही रही है, इसके अलावा भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली आईएसआई की भी कमर टूट गई है। काले धन पर लगाम लगाने और पाकिस्तान को एक ही वार में तबाह करने के लिए 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला किया गया, लेकिन इसके साथ ही ये भी तय किया गया कि अब जो नोट बाजार में लाए जा रहे हैं उन्हें जाली बनाना न तो आईएसआई के बस की बात होगी और न ही दाऊद जैसे किसी अपराधी की। जो ये डिनोमिनेशन है यहाँ पे ₹2000, यहाँ पे जो ₹2000 जो लिखा गया है यहाँ पे, ये ₹2000 एलिवेटेड है अभी, तो आपके हाथ को ऐसा फील कर सकते हैं। तो अगर कोई जिसे आंख नहीं है, अंधे है, वो भी इसे फील कर सकते हैं। इस नए नोट में 13 ऐसे फीचर्स हैं जिनकी नकल कोई नहीं कर सकता है, यानी भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान के नकली नोट के पूरे नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। तो 500 और 1000 के नोट बंद होने से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे नए नोट को देखने के बाद लगा, क्योंकि इस नए नोट की नकल करना उसके लिए नामुमकिन है। पांच सौ हजार के नोट बंद होने से पाकिस्तान था बेहाल, लेकिन नए नोटों को देखकर उड़ गए उसके होश। 500 हजार के पुराने नोटों के बंद होने से पाकिस्तान परेशान हो गया, आईएसआई की नींद उड़ गई। लेकिन आज बाजार में आए नए नोटों को देखने के बाद पाकिस्तान और आईएसआई के होश उड़ गए, क्योंकि इस नोट को देखकर आईएसआई का इसे जाली बनाने का ख्वाब एक झटके में टूट गया, क्योंकि इन नए नोटों को जाली बनाना है नामुमकिन। तुरंत तो बनना नामुमकिन सी है, और अगर इसको सब लोग जानेंगे इसे तो अच्छी तरह से जानेंगे तो फ्रॉड्स भी हम इसमें नहीं कर पाएंगे। नए नोटों को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इसी बात का रखा गया है ध्यान कि कोई इसकी हूबहू नकल न कर सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नोट में ऐसी अनगिनत खूबियां हैं जिससे इसे जाली नहीं बनाया जा सकता। हिंदी के अंकों की नकल नामुमकिन। अभी अगर आप इस कोने का वो भी देख रहे हो तो ये आधा कोना यहाँ बना हुआ है, जिसका पूरा कोना आपको ये उल्टी नोट में यहाँ तक की तरफ दिखेगा। तो ये कहीं अच्छी तरीके से इसे सिक्योर नोट के रूप में मार्केट में ले आए। इसके अलावा नोट की डिजाइनिंग में ऐसे पैटर्न्स का इस्तेमाल हुआ है जिसकी कॉपी ही नहीं बनाई जा सकती। नए नोट में बने डिजाइन का पैटर्न नहीं बन सकता। आप जब भी इसका कलर जेरोक्स मारते हो, इसका कलर रीप्रिंट करते हो, तो कलर रीप्रिंट ये ऐसे आने में, ये जो बिकॉज ये जो आपके यहाँ पैटर्न्स बने हुए हैं, ये पैटर्न्स आपके कलर जेरोक्स इसको उसी तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। यही नहीं, इस नोट को इस तरह से बनाया गया है कि अगर कोई कलर फोटोस्टैट करके नकली बनाने की कोशिश करे तो वो भी कामयाब न हो सके। ये जो आपके यहाँ पैटर्न्स बने हुए हैं, ये पैटर्न्स आपके कलर जेरोक्स इसको उसी तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आपका जो क्लोन होने की बात है, कलर जेरोक्स वाली बात है, वो तो सिरे से खारिज हो जाती है। दूसरा, ये जो 3D इफेक्ट हम इसमें ले आए हैं, वो आपकी डुप्लीकेट मशीन उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएगी। इन सब के अलावा भी इस नोट में ऐसी कई खूबियां हैं जिससे इसे जाली बनाना मुमकिन ही नहीं है। नोट के सुरक्षा तार में भारत, RBI और 2000 के रंग बदलते हैं। नोट को घुमाने पर रंग हरे से नीला हो जाता है। चारों कोने उभरे हुए हैं जिसे छूकर पहचाना जा सकता है। ये वो खूबियां हैं जो अब तक भारत के किसी भी नोट में नहीं थी। यही वजह है कि इस नोट के सामने आने के बाद आईएसआई के होश उड़ गए, क्योंकि हर साल भारत की अर्थव्यवस्था में 70,000 करोड़ का नुकसान करने का इनका प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। 500 और 1000 के नोट बंद करने के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जनता परेशानी के बावजूद फैसले का स्वागत कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पूछताछ से वो डरे नहीं जिनके पास काला धन है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने अरुण जेटली से खास बातचीत की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली से बात करते हैं, वो बताएंगे कि जनता में जो भ्रम फैला है वो कितना मिथ्या है। हमारे साथ अरुण जेटली जी। अरुण जी, बड़ा भ्रम फैला है, बैंकों के लाइनें लगी हैं, आपको लगता है? आज बाय एंड लार्ज शांतिपूर्ण रहा है, लाइनें लंबी हैं,
बैंकों के पास भी अच्छी मात्रा में करेंसी है, जहां समाप्त हो रही है उसको रिप्लेनिश किया जा रहा है और अगले कुछ दिनों के अंदर इसमें रिप्लेसमेंट पूरा हो जाएगा। थोड़ी इनकन्वीनियंस मैंने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, स्वाभाविक है, लेकिन ये इनकन्वीनियंस धीरे धीरे अपने आप में समाप्त हो जाएगी। आम आदमी को एक डर लग रहा है कि कितने पैसे वो जमा कर सकता है बैंक में। अरुण जी, आप क्या बता सकते हैं कि देखिए, आम आदमी कोई भी पैसा जमा करना चाहे संख्या में कर सकता है। जो लोग छोटी रकमें जमा करेंगे, जिसकी इनकम टैक्स का लॉ अनुमति देता है, जिसमें कोई तकलीफ नहीं है, तो उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन कोई आदमी करोड़ों रुपए जमा करता है तो स्वाभाविक है कि टैक्स कानून के तहत जो उसकी जिम्मेवारी होगी उसको वो भी पूरी करनी पड़ेगी। अरुण जी, एक और सवाल उठ रहा है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपने एकाएक कर दिया, मायावती यहां तक करी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रही है सरकार। देखिए, वो तो ये भी मांग उठ रही है कि पहले संसद में चर्चा करते और उसके बाद करते, ताकि जिनके पास पैसा है वो आगे पीछे कर देते। इस प्रकार की सुझावों को मैं बेबुनियाद मानता हूं। मैं मानता हूं कि इस देश के राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं के बीच में कुछ और देश की जनता के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। इनकन्वीनियंस जनता को है, थोड़ी है, लेकिन वो फिर भी इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, अधिकतर राजनीतिक दल इसके समर्थन में है, कुछ को विरोध करना है। जब उनको जिम्मेवारी मिली थी सरकार चलाने की, तो उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं थी। आज ये सरकार कार्रवाई कर रही है तो स्वाभाविक है वो टिप्पणी करेंगे। अनुजी, टेरर फंडिंग को लेकर भी काफी चिंता थी, फेक करेंसी यहां पर आ गए थे, आपको लगता है इससे रोक लगेगी? देखिए, जो उपयुक्त सुरक्षा अधिकारी हैं सरकार के, इस पर नजर रखे हुए हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टेररिज्म बड़ी करेंसी के माध्यम से फंड होता था, उसको देख रहे हैं। आखिरी सवाल, अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की जरूरत क्या थी? अनुजी, देखिए, इसलिए बंद करने की जरूरत थी कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा काले धन में और क्राइम मनी में जा चुका था, और इसलिए उसमें से जो लेजिटिमेट पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर आ जाए और जो उसका गैर कानूनी पैसा है वो उसमें से इलिमिनेट हो जाए। तो 2000 के नोटों पे क्या कोई चिप रहेगी? बड़ा मिथ। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है एकदम। एक पहला मिथ है कि 2000 के नोटों पे चिप है, दूसरा मिथ है कि लॉकर्स को डिजिटाइज किया जा रहा है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। आखिरी सवाल, देश के मध्यवर्ग को कोई संदेश देना चाहेंगे, पैनिक न करें? देखिए, मुझे लगता है कि जो जनता का रवैया रहा है बहुत सकारात्मक रहा है, थोड़ी तकलीफ भी है लेकिन देश के व्यापक हित में वो इसको स्वीकार कर रहे हैं और इसका बड़े पैमाने पर समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद अरुण जी। कच्चा चिट्ठा में अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार को, और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।